कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग 11th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो 11th क्लास के इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी बायोलॉजी है उस बायोलॉजी में जितनी भी टर्म्स रहेगी वो इंग्लिश में ज़्यादा इजी है, हिंदी में थोड़ी सी हार्ड होती है, याद हो जाती है। हिंदी की मेंटेलिटी होती है कि भाई नहीं, हम हिंदी में ज़्यादा जल्दी याद कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है वो ज़्यादा इजी है। तो इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स है जिनको हम रूट कीवर्ड बोलते हैं। रूट कीवर्ड मतलब कि वो यदि जुड़ रहे हैं तो उसका मतलब वही निकलेगा जो यहाँ पे इसका मीनिंग सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीफिक्स और सफिक्स फॉर साइंस एंड रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स आपको सबको ध्यान में कि वर्ड के आगे जुड़ता है, और सफिक्स है वो कहाँ जुड़ता है? वर्ड के एंड में। तो आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद में जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स है तो इसकी लिस्ट तो अथाह है, मतलब बहुत सारी है, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी मैं आपको। तो डेली उसमें से, जरूरी नहीं है आप लोग ये सारे के सारे एक साथ ही रटने बैठ जाए, आप लोग डेली है कि डेली आप इनमें से 10-10 वर्ड्स याद करेंगे तो आपको इन फ्यूचर जब आप मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, कॉलेज लाइन में जा रहे हैं, चाहे आप लोग 11th 12th कर रहे हैं, तो इनमें क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोग 10-10 मीनिंग डेली याद करना शुरू कर दीजिए, डेली ड्राफ्ट कॉपी में अपना लिखना शुरू कर दीजिए। मैं कुछ कीवर्ड्स है वो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि हाँ यार ये तो मीनिंग्स इजी है, याद हो जाएंगे, और ये याद हो गए तो आप इंग्लिश में बायोलॉजी की कोई भी टर्म उठा लेना आपको इजी लगेगी, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले ए, यदि किसी भी वर्ड के आगे ए जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मैं आपको जो भी नोट्स अवेलेबल करवाऊँ तो उसमें आप ध्यान रखना, ए के आगे यदि डैश दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ए के बाद में स्पेलिंग जुड़ेगी, और यदि डैश के आगे कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, वो सफिक्स है, ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में ए की बात करूँ तो ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब अब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद एम्फी वर्ड कहीं आएगा, जैसे एम्फीबिया आप लोगों ने सुन रखा है, तो एम्फी वर्ड आ रहा है मतलब दोनों जगह, बोथ, ठीक है। जैसे एम्फीबिया है वो स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, ठीक है। फिर एंटी वर्ड, यदि एंटी वर्ड आ जाए तो किसी का अगेंस्ट, किसी के ऑपोजिट काम करने वाला, अगेंस्ट काम करने वाला। फिर यहाँ पे ऑर्थो वर्ड आ जाए तो ऑर्थो वर्ड आएगा वो जॉइंट के लिए रहेगा। उसके बाद हम बात करें ऑटो, किसी भी चीज के आगे ऑटोमेटिक, स्वयंजनित, ठीक है। तो ऑटो वर्ड जुड़ गया मतलब क्या होगा, उसका काम सेल्फ होगा। देन हम बात करें एक्वा, एक्वा तो एक्वा वर्ड किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए यूज होता है। इस टाइप से आप लोगों को ये सारे लर्न करने याद हो जाएंगे, बहुत इजी होते हैं ये। बाई और डाई की बात करें, बी आई या डी आई जुड़े तो उसका मतलब क्या रहेगा, टू, दो, ठीक है। उसके बाद हम बायो की बात करें तो बायो की बात मैंने आपको बताई थी कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। ये सारे के सारे वर्ड्स है वो मोस्टली लैटिन में रहेंगे, कुछ एक वर्ड्स है वो ग्रीक में है। उसके बाद मैं यहाँ बात करती हूँ कान, कान कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, तो मीट का मतलब होता है यहाँ कान से, ठीक है। फिर कैटा, तो मैंने आपसे कहा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उसमें दो रिएक्शन होती है, एक तो एनाबॉलिक होती है और एक कैटाबॉलिक होती है। एनाबॉलिक बनने वाली रिएक्शन, कैटाबॉलिक टूटने वाली रिएक्शन, ठीक है। तो आपको हिंदी समझाया तो मैं वापस समझा दूंगी आपको। तो ये केटा है, केटा का मतलब क्या है, ब्रेकिंग डाउन, टूटना। उसके बाद सेफेलो वर्ड है, सेफेलो वर्ड हमारे हेड के लिए यूज होता है तो ये हेड के लिए रहेगा। क्लोरो वर्ड, क्लोरोफिल, हरित लवक, तो क्लोरोफिल वो किसके लिए यूज आ रहा है, ग्रीन के लिए यूज आ रहा है। साइटो वर्ड, हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं मंडे से, आज हमारा ये टॉपिक है ये कंप्लीट होने के बाद में हम संडे, जो मंडे से, ठीक है, कल एक वीडियो और रहेगा मेरा, उसके बाद में मंडे से हम सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइटो वर्ड है वो किसके लिए, सेल के लिए, कोशिका के लिए यूज होगा। क्रोमो वर्ड है वो कलर के लिए, कोई भी क्रोमोफोर जो कलर युक्त रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप एग्जाम्पल देखते हुए, और जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी प्रीफिक्स सफिक्स आगे भी इन फ्यूचर आपको लेक्चर में कहीं पर भी मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको वहां बताया था, तो आप लोग क्या हो जाएगा, होता रहेगा, रिकॉल होता रहेगा। डिप्लोमा मीन्स होता है टू। फिर एंडो और एक्टो, ये ध्यान में रखना, एक्टो होता है बाहर, आउटसाइड, एंडो होता है इनसाइड, अंदर की साइड, ठीक है। फिर एपी है, एपी का मतलब भी आउटसाइड, अबो से होगा, हम लेयर्स जब पढ़ेंगे ना तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे वर्ड्स है वो यूज होते जाएंगे। उसके बाद में इरिथ्रो की बात करें, जैसे क्लोरो का मतलब ग्रीन था, उसी टाइप से इरिथ्रो का मतलब क्या होगा, रेड होगा। लेफ्ट वर्ड है वो मिल्क के लिए यूज किया जाएगा। गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस कहाँ होता है, स्टमक में होता है, तो गैस्ट्रो वर्ड है वो स्टमक के लिए यूज होगा। देन जेन, जो जनरेशन रहेगी, जेनेसिस रहेगी,
तो जेनेसिस है वर्ड, वो बिगनिंग के लिए होता है। हम किसी के अभी बारे में लिखते हैं ऊ जेनेसिस, ठीक है। तो जेनेसिस वर्ड आ गया, मतलब उसकी क्या हो रही है, बिगनिंग स्टार्टिंग हो रही है। फिर गाइन वर्ड है, तो ये फीमेल के लिए, जैसे गाइनोशियम, ठीक है। तो ये वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो फीमेल के लिए ये वर्ड यूज होगा। फिर ब्लड के लिए या हीमो वर्ड हुआ, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमो वर्ड किससे रिलेटेड हो गया, ब्लड से रिलेटेड। प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होगा, हर्ब के रूप में। यहाँ मैंने एक सफिक्स लिखा है लेस, किसी के पीछे आ जाए लेस, आगे आ जाए ए, तो आपसे विदाउट एंड लेस पीछे आ जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विदाउट प्रोटीन लेस, ठीक है, प्रोटीन बिना का, ठीक है। तो यहाँ पे ये विदाउट से रहेगा। फिर होमो हाइपो, होमो का मतलब होता है यहाँ सेम, कोई भी चीज सेम चलेगी, होमोस्टेटिक, ठीक है। उसके बाद में हेटेरो का वर्ड होता है डिफरेंट, तो होमो हेटेरो एक साथ चलते हैं। हाइपो है वो कहाँ रहेगा, कि एपी से जस्ट नीचे, हम लोग लेयर्स पढ़ेंगे ना, तो बाहर के लेयर, फिर बीच की लेयर, फिर अंदर की लेयर, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस और एंडोडर्मिस, लेकिन वहां पे एक लेयर और प्रेजेंट होता है उसको हाइपोडर्मिस, जो अबो से सीधा जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट ऊपर वाली से नीचे पाई जाएगी, उसको लगाएंगे हम बिलो। फिर इंटर के, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब इंटर कास्ट, दो कास्ट है। फिर इंट्रा कास्ट, एक ही कास्ट के दो व्यक्ति हैं, तो इस टाइप से इंटर और इंट्रा वर्ड यूज रहेगा। मिजो मैंने आपको बताया मिडल लेयर जो रहेगी, माइक्रो का मतलब आपको ध्यान में नहीं, सूक्ष्म होता है, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। उसी टाइप से हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोवर्ड, मोनोवर्ड होता है सिंगल, एक, ठीक है। उसके बाद में मल्टी वर्ड यूज आ जाए, तो मल्टी का मतलब होगा बहुत सारे, मैनी। उसके बाद मायोवर्ड, मायोवर्ड मसल्स के लिए यूज होगा। ओमनीवर्ड है वो ऑल के लिए, ओमनीवोरस, सब कुछ खाने वाले, सर्वाहारी, ठीक है। पहले प्री, प्री का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, प्री जिसके भी आगे जुड़ जाए वो फर्स्ट रहेगा। शूडर का मतलब मैंने आपको बताया फॉल्स। उसके बाद में ओस्टियो वर्ड है वो बोन के लिए यूज होगा। ये चीजें याद करनी किस लिए जरूरी है, कि आप लोगों ने ये सारी सारी चीजें याद कर ली, तो मैं इसकी स्टडी बोलूंगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, कि मैंने बोला कि मसल की स्टडी को बायोलॉजी में क्या कहेंगे, तो मसल स्टडी तो कह नहीं सकते, क्या कहेंगे, मायोलॉजी, लॉजी वर्ड स्टडी, और मायो मसल्स के लिए यूज हो रहा है। उसी टाइप से हम लोग बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी। तो आपको मैं जो कल ब्रांचेस पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए आपके सारे के सारे नाम है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, ताकि आपको ये नाम ध्यान रहे। आप डायरेक्ट इनके पीछे लॉजी लगाएंगे तो आपका वो मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद फोटो वर्ड है वो लाइट के लिए यूज होता है, जैसे लाइट के थ्रू प्लांट्स है वो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो वो लाइट से भोजन बना रहे हैं, तो यहाँ फोटो वर्ड इसके लिए यूज हो रहा है। फिर पेरी वर्ड है वो अराउंड, जो चारों ओर रहेगी परत, उसको पेरी कहेंगे। फाइटो वर्ड मैंने आपसे बताया था कि प्लांट के लिए यूज होता है। फिर पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉलीमर, बहुत सारे, ठीक है, तो पॉली यहाँ वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, मैनी के लिए यूज हो रहा है। ट्रांस आप लोग को ध्यान में है, ट्रांसफर एक्रोस, उस लेयर को चिरते हुए इस साइड से इस साइड, तो ये एक्रोस रहेगा। ट्राई का मतलब थ्री, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री। फेगो का मतलब होता है ईट, फेगोसाइट मतलब सेल क्या ले रही है, खाना अंदर ले रही है। पिनोसाइट, पिनोसाइट का मतलब कि वो कुछ लिक्विड मटेरियल अपने अंदर ले रही है, ठीक है, तो पिनो वर्ड रहेगा। फिर फोबिया, हाइड्रोफोबिया, वैसा आप डर लग रहे हैं, ठीक है, स्टेज फोबिया, ठीक है, कैमरा फोबिया, मतलब इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती है, फोबिया, डर। और फिल, तो हाइड्रोफिल, ठीक है, तो फिल वर्ड यूज हो रहा है, तो वो कहाँ होगा, लव के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जाइगोट, आप लोगों ने सुन रखा होगा यूगनज, तो वो क्या होता है, जॉइन टुगेदर, मतलब जिसमें दो गैमेट्स है वो आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस टाइप से आज मैंने आपको ये हल्के फुल्के थोड़े से मीनिंग बताएं, जो आपको सुनने में इजी भी लगेंगे। कुछ एक वर्ड्स है वो हार्ड लग सकते हैं, जैसे सफेद, आपने नहीं सुन रखा होगा यदि हिंदी मीडियम में बात करो तो, ठीक है, और सफेद भी आप लोगों ने हिंदी में मात्रा लगा के देखा होगा, लेकिन ऐसे ही सुना होगा। तो इस टाइप से क्या होगा, आप लोग ये सारे वर्ड्स है वो याद कर लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम में सारे सारे वर्ड्स प्रोवाइड करवा देती हूँ, डेली 10 मीनिंग याद करने, किसी की भी हिंदी नहीं आती, ठीक है, लाइक ब्रेक डाउन हिंदी नहीं आती, तो उसको डिक्शनरी करो और उसको हिंदी में लिखो, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस सुनो करनी पड़ेगी, सारी पक्की पकाई खिचड़ी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।